जय दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, बहुत खुशी मिल रहा है कि आप लोग का प्यार इतना मुझे मिल रहा है। हर विद्यार्थी मुझे फोन कर रहे हैं तो बोल रहा है सर को मेरा आपका पांचवा पार्ट मिल रहा है, सर पहला पार्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, आप रियल में जुनून हैं और पढ़ाने के जो पढ़ाते हैं इसको लगता है कि आप हमारे लिए समर्पित हैं। तो ये सुनकर आज मुझे बहुत खुशी मिला। और विद्यार्थी मेरा सब कुछ है, पक्का जान लीजिए, आप हैं तो मैं हूँ। अगर आप नहीं वैल्यू देंगे तो हमको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो मैं आपके लिए काम करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ बहादुर मन से, वो भी करता हूँ, कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। एकदम प्रॉपर थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी पक्का पार्ट को फॉलो करिएगा, थ्योरी के बाद बुक सोल्यूशन पर आइएगा, आपको मजा करते चैलेंज करते हैं। आप कलम उठाते उठाने से पहले आंसर कर देंगे। तो चलिए आइए, समय बर्बाद नहीं करते हैं, बहुत मज़ा लग रहा है मुझे और लग रहा है कि मेरा जिंदगी सार्थक होने वाला है। क्योंकि हम फौज से आए तो लगता है कि हम दूसरों की सेवा करें, क्योंकि फौज को आराम नहीं पचता है, आराम उसको नहीं पचेगा, समझ गए। इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत करना चाह रहा हूँ, मुझे मन लगता है पढ़ाने में, बचपन से भी हॉबी है। चलिए आते हैं और धीरे धीरे मेरे बारे में जान लिया कितना संघर्ष किए हैं हमें और कैसे कैसे ज्ञान अर्जन किए। एक दिन मौका मिलेगा तो बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आपको उसे इम्प्रेस भी होंगे। हाँ सर, आप कैसे संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, कैसे विद्या को इतना अपडेट किए हैं, कैसे मतलब बहुत साथ मतलब संघर्ष हम किए हैं। चलिए छोड़िए, आते हैं यहाँ पे आते हैं। चलिए देखिए बहादुर, बिना समय बर्बाद किए हुए चाहेंगे तो एक सेकंड में आंसर भी मार देंगे, चाहें तो बना भी सकते हैं। चलिए देखते हैं, डेट सिखा देते हैं आंसर मारने के लिए। एक विद्यालय में इतना है भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र का अनुपात है 4:3:4:1। यह देखो यहाँ पे 4 है, 4:3:5 के अनुपात में है। इनमें क्रमशः 50%, 25% तथा 10% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा। देखिए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, इसमें वृद्धि होगा तो 110 होगा, 110 है जो कोई 22 से गुना जाए, देखिए 52 होटल से होता है, यही आंसर मार देंगे हम, चाहेंगे तो डायरेक्ट मार सकते हैं। लास्ट में 10% की वृद्धि है तो 110 इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा बाय पंद होटल से, लेकिन चाहेंगे तो बनाएंगे, कैसे सीखेंगे डेट सीखते हैं। तीन गो है, एक पहला है, 4 है, पहला में कितना, 4 में कितना वृद्धि होता है 50% के, वृद्धि के मतलब 150 लीजिएगा, बहुत सारे वृद्धि 50% कर देता है तो 100 का 50% गलत हो गया, आधा कर दिए आप, वहाँ लेना 50% वृद्धि के मतलब 150, 20% वृद्धि के मतलब 120, 5% वृद्धि के मतलब 105, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती करते हैं आप। तीसरा में, दूसरा में क्या है, दूसरा में 25% की वृद्धि, मैंने 125 हो गया, तीसरा में कितना है, तीसरा में 5 ना है, 5 में कितना वृद्धि हो रहा है 10% की। अब कटता है तो काट दीजिए, कटता है बाय पांच होटल से सीखेंगे, बाय पांच होटल से 25 से और 3 5 150 कटता है, और कटता है तो काट दीजिए, 5 से कटता है, देखिए कट रहा है, 5 5 25 और 5 6 30, देखिए गुना करिए, 6 4 24, 6 4 5 15 22 की गुना 22, देखिए यही आंसर आ गया, तो बना लीजिएगा, सीख गए होंगे। तो कुछ यही ध्यान रखना कि वृद्धि कहेगा तो बढ़ा लेंगे, इंक्रीज होगा, 5% वृद्धि के मतलब 105, 10% वृद्धि के मतलब 110, 10% कमी डिक्रीज के मतलब 90, ध्यान रखेंगे कम जाएगा वहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, मिश्रण को 23 रुपया की दर से बेचती इस कंपनी को कितना मिलता है, गलत है जी, सर्वे पूरा कट गया, क्वेश्चन ही कटा हुआ है, क्वेश्चन कटा हुआ है, क्वेश्चन किताब लेकर आइए, बता देते हैं, कह रहा है कि इतना इतना की दर से बेचती है तो इस कंपनी को कितना मिलता है। क्वेश्चन से आगे बढ़ते फिर पीछे हटेंगे, चलिए यहाँ देख लीजिए, आगे आएंगे, देखो 126 रुपया प्रति केजी चीनी बेचता है, कितना बेचता है 1 केजी है, 1 केजी चीनी खरीदता है, कह रहा है 126 रुपया प्रति केजी तथा 135 रुपया प्रति केजी की चाय को तीसरी प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पर इस मिश्रण का मूल 135 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो तीसरी प्रकार के चाय का प्रति केजी भाव कितना है, सीखेंगे बहादुर, चाहेंगे तो एक सेकंड के अंदर आंसर मार देंगे, लेकिन सीखेंगे कैसे मारेंगे जो सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि दो ऑप्शन टकरा रहा है, दो ऑप्शन जो हमारा टकरा रहा है 0.50 0.50 से नहीं मार सकते हैं, सीखेंगे क्यों। सबसे पहले तीन प्रकार, देखो तीन, पहला खरीदा कितना है, पहला 126 रुपये प्रति केजी, कितना केजी चीनी खरीद भाव, कितना भाव है 1 रुपया है, एक से गुना कर देंगे तो एक से गुना करें चाहे ना करें बात बराबर है। दूसरा केजी चाहे, दूसरा केजी चीनी कितना है 150 रुपये, 135 रुपया है, 135 रुपया आपका, सीखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, एक सेकंड अंदर आंसर हो जाएगा लेकिन सीखना है। 135 गुना कितना करेंगे, एक करेंगे, दूसरा भी एक एक अनुपात में खरीदता है, एक से गुना करें ना बराबर है, लेकिन तीसरा प्रकार के चाय है उसका भाव दिया हुआ इतना है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया कि कितना केजी खरीदा है, जो इसको एक से मान लेंगे, कुल क्रयमूल बराबर कुल क्रयमूल कर रहे हैं हम, इतना को सबको मिला देता है, मिला के कैसे बेचता है,
135-153 रुपये प्रति केजी बेचता है, 153 रुपये प्रति केजी बेच रहा है ना, तो कितना केजी बेचेगा? यही 4 केजी, 2, 1, 3, 1, 4, इतना समझ में आ गया। 4 केजी का क्रयमूल बराबर 4 केजी क्रयमूल, यह है कि अलग अलग खरीदा है, ये मिश्रण है, वही बात बराबर है, वही है। इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 6 हो गया, 261 हो गया, अब पाला सा हमारा 2x हो गया, इतना बराबर हो गया, इसको ऊपर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो देखिए हो गया 2x बराबर हो जाएगा हमारा 612 माइनस हो जाएगा 261, 2x बराबर सीखेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा जाके 3 हो गया, इतना बच जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 271/2 बराबर हो गया 17.175, कितना हो जाएगा 50 रुपया, इतना रुपया आ जाएगा, भागा जी 7, 17 × 34 एक बच जाएगा, 5 × 10 एक बच जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन बोलिए सर इतना करेंगे तो करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर हम कर सकते हैं कैसे जो सीखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको कुछ नहीं किए, कुल क्रयमूल बराबर कुल क्रयमूल किए हैं, क्रयमूल बराबर हम किए हैं क्रयमूल, इधर अलग अलग वस्तु का इतना गुने एक किए हैं, इतना गुने एक किए हैं, इतना का वैल्यू नहीं दिया होता तो 2x मान लिए, मिश्रण है 2 केजी, 2 केजी कितना है जुड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 केजी होगा, 2, 3, 1, 4 केजी, 4 केजी बराबर 4 केजी किए, कुछ नहीं किए, लेकिन देखेंगे सीखेंगे बहादुर। हम यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम संयोग से ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो मेरा आंसर डायरेक्ट हम मार सकते थे, बोलिए कैसे सर सीखेंगे, अगर नहीं रहता तो परीक्षा में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सीख लेंगे। देखो 6 हो गया, 6, 5, 11 एक ना हो गया लास्ट में, ले हो गया, आई बेचेगा कैसे 3 रुपये, 4 × 3 = 12 लास्ट में 2 हो गया, ई घटेगा 1 तो 1 ना हो जाएगा वर्ग में, और 2 से भागा बढ़ेगा तो दशमलव वाला आएगा, तो दशमलव वाला आने का मतलब है कि ई होगा तो यही होगा, लेकिन दो ऑप्शन इसलिए हम नहीं करेंगे, हम हल कर देंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पीछे क्वेश्चन छोड़ें जो दीजिए, किताब लाएँ तो दिखा दीजिए, किताब एक पीछे वाला क्वेश्चन छोड़ें जो सीख लेंगे बहादुर, डायरेक्ट आंसर भी उसका होगा। ये क्वेश्चन छोड़े थे हम, क्वेश्चन नंबर 87 है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 है, ध्यान देंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन है कि एक कंपनी 20 रुपये प्रति केजी, एक कंपनी, एक यहाँ पर लिखा हुआ एक जो कंपनी है, एक कंपनी, इसको कल हम बता देंगे, छोड़िए क्वेश्चन को, 87 नंबर क्वेश्चन कल ही बता देंगे, टाइम लॉस हो जाएगा आपका, लिखना पड़ेगा, छोड़िए, यहाँ पर आ जाएंगे सीखेंगे बहादुर, कितना आसान क्वेश्चन है। सतीश और मनोज की आय का अनुपात इतना है, 7:8 है, सतीश की आय में 20% की वृद्धि, मैंने अभी बताया 120, मनोज की आय में 10% कमी के मतलब 90 होने पर इनकी आय का अनुपात क्या है। डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं लेकिन सीखना है, अभी डायरेक्ट नहीं मारेंगे, सीखना है पहले, पहले आय है 7:8 में, सीखेंगे। और देखो सतीश की आय में, सतीश है मनोज है, सतीश की आय में 20% की वृद्धि, मैंने 120 गुना कर देंगे, अभी बताया है, और क्या कर रहा है इसमें 10% की कमी है, 90 हो गया, कटता है तो काट दिया, 0 से 0 खत्म, कट गया, और कटता है 3 × 9 और 3 × 4 = 12 कटता है, 4 × 2 = 8 यानी 7:6 कितना आ गया 6 हो गया, ये सीखेंगे। एक चीज और देखो, इतना मिटा देते हैं अब समझेंगे, एक चीज हमारा कंठस्थ है कि जब भी पहला अनुपात आएगा तो 7 आएगा, पहला अनुपात आएगा तो 7 के मल्टीपल रहेगा, तो कोई नहीं है, वो यही मात्र है, 7 ही ना है, लेकिन हमारा मामला वहां पर फंस जाता है कि दिया है इनमें से कोई नहीं, अज्ञात नहीं किया जाता, इसलिए हमको निकाल लेना जरूरी है। अगर यहाँ पर सभी ऑप्शन रहता तो हमारा डायरेक्ट आंसर हिट हो सकता था कि डायरेक्ट आंसर ही मार देते, क्योंकि अगला 7 के ही गुना जाएगा तो 7 के गुना मात्र एक ही है। अगर संयोग से ई ना रहता, इसमें रहता मान लीजिए कि 5:8 रहता, यहाँ पर मान लीजिए कि 6:6 मान लीजिए कुछ 11 रहता, तो डायरेक्ट हमारा 7 का मल्टीपल वाला कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, यही है, डायरेक्ट आंसर मार सकते थे, समझ गए। लेकिन थोड़ा सा था इसमें कि ये दिया हुआ था, ये दिया था, इसलिए हमको निकाल लेना ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बाद, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीख लेंगे लेकिन सीखना अभी है। करा एक खेल के मैदान में लड़के, एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, सीखेंगे। यदि लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या क्या है। सबसे पहले लड़का कितना है, लड़का हमारा 5 है, लड़का कितना है, 5 से गुणज है, नहीं कट गया, 5 से गुणज है, नहीं है, 5 से गुणज है, नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर मार देंगे, क्योंकि 5 है लड़का, तो लड़का जो भी है गुना होगा तो गुने वाला उससे गुणज प्राप्त होगा, इसको हल कर देते हैं सीख लेंगे। हमारा बी और जी के जो अनुपात है सीखेंगे, बना रहे हैं, एक सेकंड आंसर हो गया, हमारा बी जी का अनुपात है, लड़का लड़की का अनुपात बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल्स कितना है, और लड़कियों की संख्या क्या दिया हुआ 212, लड़की की संख्या
रेशियो में सिखाया दिया के तुलना दिया से, लड़की के तुलना लड़की से, जिसको निकालना उसको गुना। तो लड़की कितना है 212 है, लड़की कितना है 4 ना है। लड़की के तुलना लड़की से निकालना है वाइज, तो कैसे गुना करते, जिसको निकालना उसको गुना, 5 से गुना करिए, 4 5 20 चार पचे के 20 चरतिया के 12 गुना करिए, 5 3 15 के 5 हाथ में 25 इतना हो जाएगा 265। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी मेरा विद्यार्थी मतलब पहले ऑप्शन ही देखना, अगर अभी नहीं अभी सीखना है, बार बार कहना अभी सीखना, अभी ऑप्शन लेकर नहीं चलेंगे, बनेगा के बाद ऑप्शन देखिएगा, या पहले भी देख सकते हैं लेकिन पहले बनाने के थ्योरी माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने का भी प्रयास किए। अभी बहुत सारा खेला है, एकदम सुपरसोनिक जहाज से ऊपर भागते हैं मेथड, इतना फास्ट मैथ बताते हैं, लेकिन चलिए सीखना भी है, ये बड़ाई नहीं करते, हम नहीं बनाएंगे आप खुद बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे बाद समय आने वाला है, चलिए कोई बात नहीं, चाहेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा, लेकिन अभी सीख लीजिए फिर सिखाते हैं, 1 सेकंड के अंदर भी सिखाएंगे, पहले सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए मिल्क है, दूध और पानी का अनुपात सीख लेंगे, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, इसे पढ़ाया हुआ है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए, क्या मिला रहे हैं बहादुर, पानी, दूध सेम रहेगा, मिश्रण बढ़ जाएगा, मिश्रण हमारा बढ़ जाएगा लेकिन पानी वही रहेगा, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाएंगे तो पानिया तो बढ़ जाएगा, दूधवा घटेगा, दूध बहुत नहीं रहेगा, तो दूध सेम करने के लिए कैसे गुना करते हैं, दूध से गुना कर देंगे इसमें, तो इसमें भी रेशियो बताए थे समान गुना करते हैं। ठीक है, अब पहले मिश्रण टोटल हमारा 60 लीटर था, कितना था पहले कुल का, पहले देखिए दूध कितना हो गया 3, प्रारंभिक मिश्रण के तुलना प्रारंभिक से जिसको निकालना उसको गुना था, करा कितना पानी मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं 1 से हो गया 4, कितना मिल गया 3, 3 से गुना कर दीजिए, यानी 60 लीटर हमारा आंसर कहाँ पे है, हो गया, ये समझ में आ गया, ये सब थ्योरी पार्ट में बताया हुआ, बढ़िया से एकदम बताया हुआ, यहाँ भी समझ लीजिए कि ऐसे कुछ नहीं हुआ। अब बोलिए सर हम रेट कैसे बनाएंगे, तो सीख लेंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं, दिया के तुलना दिया से सीखेंगे, सबसे पहले मिला रहे हैं पानी, मिला रहे हैं तो हमारा दूध सेम हो गया, दूध सेम है नहीं है, देखिए दूध है यहाँ कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दें तो ये हो गया 2, वही हो गया 4, ये समझ में आ गया। पहले मिश्रण हमारा 60 था, पहले मिश्रण कितना था 60, पहले मिश्रण कितना, पहले की तुलना पहले से, पहले के कुल मिश्रण तुलना पहले के कुल मिश्रण अनुपात से कितना पानी मिलेगा, पानिया 1 था तो यहाँ हो गया 4, कितना बढ़ गया, इसे गुना कर दीजिए, ये समझ में आ गया। तो बिना लिखे हुए डेट कैसे बनाएंगे सीखेंगे बहादुर, डेट बिना लिखे हुए कर देते हैं, अब सीख लेंगे, पहले कितना हो गया 60 है तो 3 गुना हो गया ना, तब 20 60 20 हो गया, और 3 बढ़ जाएगा, मिश्रण हो गया 4, 1 से हो गया 4, 3 बढ़ गया, तो 20 60 डेट भी आंसर मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 और हम लगा सकते हैं इसमें आंसर, 1 और नहीं लगा सकते हैं, चूंकि 30 ये भी गुना, अगर संजोग सही नहीं रहा था, अगर संजोग सही नहीं रहा था तो 3 से 4 ना बढ़ा था, 1 3 ना बढ़ गया, अगर संजोग सही 80 रहा था मान लो तो कौन 3 का गुना है, ये तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे, मार सकते हैं, इस सब दिमाग में कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं कि देखिए सोचने का खेला कैसे होता है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बहादुर, करा 2 बर्तन दूध और पानी का इतना कितना अनुपात में है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लेकिन है, सीखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले सीख लीजिए 4 5 10 मेथड मेरे पास है, लेकिन फिर भी सीख लेना है पहले। सबसे पहले हमारा देखो दूध पानी, चाहे तो दूध लेके चलेंगे चाहे तो पानी लेके चलेंगे, कोई चीज एक लेके चलिए, चाहे दूध, चलिए दूध लेके पहले हम चल देते हैं, क्या लेके चल रहे हैं, ये मिल्क वाला हम पार्ट लेके चल रहे हैं, सीखेंगे मेथड फर्स्ट में, तो दूध कितना है 5 है, कितना में 8 में सीखेंगे, डेट में आंसर होगा। अच्छा दूसरा में कितना है 2 है, दूध कितना में है 3 2 5 में ना, 5 लीटर में, और आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए, 1:1 हो जाए, 1:1 में हो गया, 1/2 यहाँ ले लेंगे, ये मिश्रण में बताएंगे क्यों होता है, रेशियो का क्वेश्चन है, मिश्रण में बताएंगे कैसे होता है जो। देखिए इधर उनका हल करने का तरीका शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले सीख लेंगे, मान लिया कि हमको लिखा है इतना माइनस लिखना है, 2/5 लिखना है, इतना घटाना है, सीखो डेट कैसे हम भिन्न का घटाव घटाते हैं, लघुत्तम कितना आ गया 10, तो 10 लाने कैसे गुना 5 से, तो यहाँ 5 हो गया, इसमें कितना लाने चलिए 2 से, दूधनी के तो 5 में चल गया था, 1 बच गया, 1/4 हो गया, 10 कर देंगे, समझ में आ गया, तो लघुत्तम 10 आवेगा, 10 लाने कैसे गुना इसमें 5 से, यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना था, 5 हो गया माइनस 10 लाने कैसे गुना 2 से ना, तो 2 से ऊपर भी गुना था, 2 2 4 हो गया, यानी 1/10 हो गया, यानी शॉर्ट कर देंगे सीधे, कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो 5 हो गया 4 हो गया, घट के 1 हो गया, 5 2 10 कर देंगे डायरेक्टली। चलिए यहाँ पर आते हैं,
तो ये चल जाएगा दुदुनी के चार हो गया, इधुन में घट रहा है ना, चार हो गया, यहाँ पर पांच हो गया, तो एक बटा कितना बच गया, एक बटा दस हो गया। इसको घटाएंगे तो इसको चाहिए हमको आठ लाने के लिए, चार कर देंगे ना, चार तो चार यहाँ हो गया, तो पांच में चल गया चार, तो कितना चार बच गया, इधर हो गया कितना आठ है, क्योंकि लघुतम इसका आठ बचेगा, आठ आ रहा है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एक बटा आठ हो जाएगा। देखिए ना इधुन घटाना थे, लघुतम चार आवेगा ना, चार से ऊपर गुना करेंगे, चार में पांच में चला गया चार, तो एक बचेगा, एक बटा आठ हो गया, कटता तो काट दिया, चार हो गया इधर, इधर कितना हो गया पांच, उलट जाएगा, यानी चार अनुपात पांच आंसर हो जाएगा। सेकंड में चलेंगे, अब हम लेके चलते हैं पानी, क्या लेके चलते हैं, सेकंड पानी लेके चलते हैं, पानी कितना है तीन, कितना में आठ में, मिश्रण का रियल में क्वेश्चन है, लेकिन फिर पढ़ाए हम थ्योरी पार्ट, यहाँ भी समझ लीजिए। उसके बाद पानी इसमें कितना है, पानी है तीन में, कितना में पांच में, नहीं हो जाएगा आई हो जाएगा, एक बड़ा दुई हो जाएगा, सीखेंगे बहादुर। आप ध्यान देंगे दून का उत्तम दस आ गया, दस लाने के लिए कैसे गुना, पांच से तो यहाँ पांच हो गया, इसमें कैसे दो से तो छह हो गया, एक बटा दस हो गया, समझ गए। अभी लघुतम कितना आवेगा, चार आठ ना आवेगा, तो चार से गुना होगा तो चार ऊपर भी, तो चार तीन अंतर एक ना हो गया, एक बटा आठ हो गया, कटता है चार दूनी पांच, अनुपात उलट जाएगा, चार अनुपात पांच। थर्ड मेथड में आएंगे सीखेंगे, मेथड थर्ड, और भी नियम है, डेट भी आंसर ऑप्शन से भी कर देंगे, एक सेकंड आंसर होगा, सीखना पहले। सबसे पहले ये कितना जोड़ दीजिए, आठ हो गया, सिखा रहे हैं अभी हम, आठ हो गया, ये कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, आई कहता आधा अधूधा एक अनुपात है, दो हो गया, ये समझ में आ गया, तो सीख लीजिए। सब के लघुतम पांच ध्यान देंगे, पांच सॉरी आठ पांच दो के लघुतम चालीस आएगा, चालीस आ जाएगा, चालीस आ गया, तो ये आठ है, तो चालीस आने के लिए कैसे गुना कर देंगे इसमें पांच से, तो पापा जी पच्चीस हो गया, कितना हो गया, चाहे हम दूध लेके खाली चल रहे हैं, फिर लेके मिल्क खाली चल रहे हैं, मिल्क मिल्क पापा जी पच्चीस ना हो जाएगा, आई इसमें कितना है पांच ना है, तो चालीस लघुतम हमारा एलसीएम चालीस आया है, तो चाहते हैं कि चालीस बन जाते, कैसे आठ से गुना करते, आठ में कितना हो गया सोलह, ये समझ में आ गया। आई दू ना है, तो ये चाहते हैं कि चालीस बन जाते, कैसे गुना करते, बीस से घटाएंगे तो हो गया चार, ये घटाएंगे तो पांच, देखिए यही बतिया गया। अब आगे चलेंगे मेथड, चलते हैं फोर, सीखेंगे बहादुर, और भी मेरे पास बहुत सारा नियम है, इसी आंसर हो जाएगा। मेथड फोर में देखेंगे चौथा नियम, मेथड फोर्थ में अब हम लेकर क्या चलते हैं, अब हम लेकर चलते पानी वाला खाली चलते हैं, तो ये पांच अनुपात यहाँ तीन है जी, पांच अनुपात यहाँ तीन है, ध्यान रखें पांच अनुपात तीन है, दो अनुपात तीन ही है, तो चाहते हैं कि लघुतम एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम जो चालीस ना आ गया, ये जोड़ेंगे तीन दो पाँच तीन आठ हो गया, तीन दो पाँच हो गया, एक एक दो हो जाएगा, इस सब के लघुतम हमारा चालीस आ गया, चाहते हैं कि चालीस बन जाते, कैसे गुना करेंगे आठ से ना, इसमें पाँच से ना, तो पांतिया के ये पंद्रह हो गया, अभी लेके चल रहे खाली पानी वाला, पंद्रह हो गया, ये चाहते हैं कि चालीस बन आठ से आठ दिया के चौबीस हो गया, ये सब समझ आया हुआ है, आई कितना हो जाएगा बीस ना हो जाएगा, क्योंकि चाहते हैं कि चालीस बन जाते बीस से गुना करेंगे, इसका अंतर है, हाँ इसका अंतर ये हो जाएगा था पाँच, ये घटेगा था चार, ये बतिया गया, ये समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीखिएगा, इसको मिटा रहे हैं जैसे मन वैसे चलते, मौखिक भी कर सकते हैं, मन में ही कर लीजिएगा, मन में ही कर लेंगे, मन में करना है तो डायरेक्ट आंसर हम कैसे मार देंगे, जैसे सीख लेंगे। मौखिक अगर करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आठ हो गया ना, ये आठ हो गया, ये पाँच हो गया, ये दो है, तो दिमाग में हो गया सीधे, दिमाग में क्या अट गया, सीधे दिमाग में सीखना, सीधे दिमाग में हमारा क्या अट गया सीख देंगे, सीधे दिमाग में अट गया चालीस, दिमाग में चालीस, तो ये हो गया कितना हो गया चालीस, आठ तो कितना हो गया चालीस, चाहते हैं तो पच्चीस हो गया, ध्यान देंगे कुछ नहीं करेंगे बहादुर, या तो देखना इसमें पांच लास्ट में है, इसमें भी पांच लास्ट में है, इसमें भी पांच लास्ट में है, तो ये बात लेकर चलना, ऐसा चलना कि अगला है जो देखो ये दो है तीन है चार है पांच, सब डिफरेंस है, हम पिछलका लेकर चलेंगे तो आसान हो जाएगा, तो छोड़िए हम ही लेकर चलते हैं, इससे लेकर चलते हैं, तो चालीस हो गया ना, तो आठ तो सोलह ना हो गया, ये हो गया सोलह, ये हो गया कितना बीस, तो दोनों का अंतर कितना हो गया चार, तो चार पहला ऑप्शन यही मार देंगे, और कोई इसमें चार नहीं पहला में, डायरेक्ट आंसर हिट हो जाएगा, नहीं समझे तो नहीं समझे तो फिर समझा देते हैं, सीख लीजिए, अभी भी नहीं समझे एक बार और समझ लीजिए, पाँच अनुपात तीन है तो इसको मैं आठ लिखा था, अगला था दो अनुपात तीन तो इसको मैं पाँच लिखा था, आई आधा ना हो जाता है, एक अनुपात एक में हो जाता है, सीख लेना, यानी दो हो गया, तो सबके लघु तो एलसीएम कितना आ गया था चालीस ना, तो देखिए ना हम चाहते हैं कि इधर वाला अनुपात पहला, पहला का अनुपात पहले निकल जाए, क्यों, क्योंकि पीछे वाला जो यहाँ पाँच है यहाँ पाँच है दोनों डिफरेंस है, सब एक ही पद है, एक ही पद है हमारा पीछे वाला, लेकिन अगला पद है जहाँ दो है यहाँ तीन है यहाँ पर चार है यहाँ पर सात, अगला सब डिफरेंस है, तो क्यों ना हम अगला निकाल दें, बाकी निकालना नहीं पड़ेगा, तो अगला निकालने के लिए हमको पीछा लेके चलना पड़ेगा, तना इसे घटेगा इसे घटता है, तो सबके लघुतम हमारा चालीस आ गया, तो चालीस लाने के लिए कैसे गुना,
ये पांच है, आठ है, तो आठ में सोलह नहीं हो गया, सीखेंगे बहादुर, ये सोलह हो गया, आई हमारा बीस हो गया, तो सोलह में बीस में अंतर कितना, चार कितना हो गया, ऐसे घटेगा ना, तो चार पहला इसी में ऑप्शन आंसर मार दे, बनावे नहीं जाएंगे, यानी मौखिक उसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बहादुर, सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, लिख के बना दें कि डायरेक्ट बना दें, चलिए सीखेंगे, दूध और पानी इतना है, इसमें इसमें चार लीटर मिश्रण घोल को निकाल लेते हैं, चार लीटर मिश्रण या चार लीटर घोल के बदले दूध डाल दिया जाता है, दिए जाने पर नए मिश्रण दूध पानी का अनुपात क्या, सबसे पहले सीखेंगे दूध और पानी का अनुपात, एम हमारा सीखेंगे बहादुर, एम और डब्ल्यू का अनुपात हमारा है 5:3, सीख लेंगे पहले। अब कह रहा है 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है, अब चार लीटर घोल को निकाल देते हैं तो बच गया 16, 20 में से चार को, चार लीटर घोल को हटा दे बदल देंगे तो 16 बच गया ना, अभी 5 × 3 कितना है 8, चाहते हैं कि 16 बन जाए तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 10 ना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, ये समझ में आ गया। अब इतना हमारा कंडीशन लागू हो गया, देखो 16 लीटर हो गया, अब कह रहा है कि चार लीटर घोल को निकाल देते हैं, इसके जगह दूध डाल देते हैं, चार लीटर दूध भाव डाल देंगे, डाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 14:6 कटता है, 3 × 2 = 7, 7:3 कहूँ पे है, 7:3 हो जाएगा। अब चाहते हैं कि मौखिक बनाना था, इसको मिटा देते हैं, मौखिक बन जाएगा, सीखेंगे कैसे, जो एक सेकंड अंदर तो एक सेकंड का आंसर आंसर हो जाएगा, सीखेंगे। 20 लीटर मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात इतना है, ठीक है, चार लीटर निकाल दिया 16 बच गया, तो चाहते हैं कि 8 है तो 16 ही बन जाती, 10 हो गया, 10 ना हो जाएगा, और चार लीटर फिर दूधवा डाल देंगे 10 × 4 कितना हो गया 14, तो 14 के इसमें मल्टीपल कौन है पहला ऑप्शन, यही होगा 14 का है, तो ये मार देंगे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे सीखेंगे बहादुर, कह रहा 85 kg मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात इतना है, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, डायरेक्ट भी बन जाएगा आंसर, लेकिन सीखेंगे पहले, सीखना है, सीख लेंगे पहले, देखो सीखेंगे पहले, दूध पानी है, ध्यान देंगे, मिल्क और बटर का अनुपात हमारा है 27:7 है, सीखेंगे, कह रहा 85 kg मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, इसमें कितना केजी पानी और मिला, पानी मिला रहे हैं, कितना केजी पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए, तो मिला रहे पानी तो पानी बढ़ेगा ना कि घटेगा, दूध हमारा सेम रहेगा, दूध सेम करने के लिए कैसे गुना कर दें, 9 से तो 9 × 3 = 27, 9 ही हो जाएगा, तो इसमें भी 9 से गुना, कुल के तुलना पहले मिश्रण कितना था 85 ना था, पहले कुल मिश्रण 85 था, पहले कुल मिश्रण जोड़िए कितना 34 ना होगा, कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना हो सकूंगा, कितना पानी और मिला, कितना पानी मिला रहे हैं 7 से हो गया 9, 2 ना मिलाए हैं, काटिए 17 × 2 = 34, 17 × 5 ये 5 हो गया, लेकिन बोलिए सर मौखिक एक सेकंड में कैसे बनाएंगे, वो भी सिखा देते हैं, सीख लेंगे पहले, सीख लेंगे बहादुर, सबसे पहले हमारा तो मिला रहे पानी, तो दूध हमारा से, तो दूध सेम है, दूध नहीं है तो सुगुना कर देंगे, तो 3 × 9 करेंगे हम, 9 बोलते नहीं करेंगे, कितना से गुना कर देंगे, 9 से कर देंगे ना, तो 9 × 3 = 27, ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो पहले कितना 85 ना था, तो ध्यान देंगे 85 था, लिख देते हैं 85 था, यहाँ 34 था, तो 9 × 7 = 9 कितना बढ़ गया, 2 ना बढ़ गया, तो 2 बढ़ा दीजिए, कटता है 17 × 2 = 34, 17 × 5 बन जाएगा आंसर, कर लीजिएगा, और कोई रास्ता नहीं है, करना पड़ेगा, गुणज भी नहीं इस पे। चलिए देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले हम बहुत बार बता चुके हैं, सीखेंगे, एक से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, लेकिन एक सेकंड के अंदर आंसर होगा, एक सेकंड में आंसर आपका हो जाएगा, पहले शॉर्ट बता देते हैं फिर लॉन्ग पे आते हैं, सीखेंगे फिर, मतलब लॉन्ग नहीं, मतलब लॉन्ग मान के चलिए, देखिए 3 बर्तनों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है, सीखेंगे, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं तथा इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 तथा 5:2 है, इन सब घोलों को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है, तो इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, सीखेंगे बहादुर। देखो ऐसा जब रहेगा क्वेश्चन आता है, तीनों ऑप्शन से हमारा ऑप्शन कटना चाहिए, तो 3 × 4 = 5 है, 4 × 1 = 5 है, 3 × 1 = 4 हो गया, अब 5 × 2 = 7 हो गया, यानी सबसे कटना चाहिए, तो देखिए 5 ही तो है, देखो 3 × 4 = 5 5 है, 4 से कटेगा, 3 × 4 नहीं कटेगा, गलत, इसको जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ ही के सिखा देते हैं पहले, छोड़िए जोड़ के सिखा देते हैं, सीख लेंगे बहादुर, फिर डेट बताएंगे, 5 हो गया जोड़िए, ये 9 हो गया, और 9 हो गया 199 हो जाएगा, जोड़ना पर सीखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 × 3 = 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 5 × 10 = 11 221 हो गया, इसको दोनों के जोड़े ऑप्शन में जोड़े हैं,
आइए हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसी देखिए 5 से ही कट जाता है, ठीक है, 4 से कटेगा कभी नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, सीखेंगे। अच्छा अब देखो ये 5 से कभी कटेगा, 4 × 5 99 कभी कटवे नहीं करेगा, 5 से 9 आईवे नहीं करेगा कभी, खत्म हो गया। अच्छा ये तो कटवे नहीं करेगा, 7 से 7 कटेगा, 4 से कटेगा, यू खत्म हो गया हमारा, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि यही होगा। लेकिन बोलिए सर इसको प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ भी कर देना, छोड़िए देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए 5 से कट, 4 × 5 5 से तो कटेगा, 5 से कट जाएगा, चलिए हमारा ये को पहला सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा 7 से कटेगा, सत्य का इसे सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन आप बोलिए सर कि 4 से ही नहीं कट रहा, बोलिए ना कि सर 4 से कहाँ कटा, 3 × 4 से नहीं कटा, तो कट रहा है बहादुर। देखिए सीखे कैसे, इसको मल्टीपल कर लेकर आगे बढ़ जाओ, 4 से गुना कर दे, 81 × 84 यानी 81 × 84 यानी 840, 4 से कटेगा कट जाएगा, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो गया हमारा। सभे काटेंगे, 84 ना आ गया, 840 इससे भी कटेगा, सभे से फिर कट जाएगा, क्या कटेगा वो, बरसाते 84 कट जाता है, तो नहीं होगा तो मल्टीपल कर लेके चल जाइएगा, उतना नहीं कर जाओ शर्मा छाट जाएगा, डायरेक्ट आंसर मार जाएगा हमारा, ये होगा, ये होवे नहीं करेगा, ये होवे नहीं करेगा, वो होवे नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर हमारा ये होगा, क्यों बनावे जाएंगे हम। लेकिन बनेगा कैसे जो सीखना है, एक सेकंड आंसर कर दीजिए, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए इसको। देखो पहला ऑप्शन जो हमारा सीखे डेट कैसे बनाएंगे, पहला ऑप्शन हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, 7 हो गया, सभी कटना है, 7 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये 7 से कटेगा, 5 × 7 लेकिन 5 से नहीं कटेगा, ये खत्म, ये 2 को छाट दीजिए, डेट छाट दीजिएगा। अभी जोड़ देना पड़ेगा, 8 × 1 = 9 हो जाता है, तो 9 कटेगा, 5 से 4 से 9 भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, यू छट गया, डेट आंसर इसको आंसर मार दीजिएगा, परीक्षा में मार दीजिएगा। लेकिन चलिए हम कैसे बनाएंगे, कैसे रियल में वो सीखेंगे, सीखना है तो बहादुर, सबसे पहले सीख लेंगे दूध और पानी, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस पर हम टाइम ले रहे हैं जी, इसीलिए इस क्वेश्चन पे हम टाइम ले रहे हैं। दूध और पानी का अनुपात है 4:1, कैसे सीखेंगे, 4 × 5 हो गया, आगरा कितना 3 × 4 3 × 1 में तो कितना 3 है, कितना हो गया 4 हो गया, आगरा 5 × कितना है 2 में, 5 × 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब कह रहा है कि इतना इतना देखियो, सब सबसे पहले समान करेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है पहला में अटना चाहिए 3 लीटर, दूसरा में 4 लीटर, तीसरा में 5 लीटर, सबके लोग उत्तम लेंगे तो इसी का मल्टीपल होगा, इसमें गुना कर दीजिए 4 से इसमें 7 से, क्योंकि करेंगे तो ही ना आएगा, 28 होगा, 28 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, गलत है, काटना हमारा आसान हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा तो ये छूट जाएगा, तो ये होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसका छोड़ना ये छोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब सब बराबर हो गया, 28 × 5 = 40 होता है, ये भी होता नहीं, 41 × 40 = 40 ये भी हो गया, ठीक है आप सीखेंगे। अब पहला में आटना चाहिए 3 लीटर, पहला में चाहिए 3 तो 3 से गुना कर देंगे, दूसरा में आटना चाहिए 4 तो 4 से गुना कर देंगे, तीसरा में 5 तो 5 से गुना कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन बताया हुआ है थ्योरी में, बहुत सारा 18 क्वेश्चन एक सिलेक्ट करके बताए हैं, काटता है तो काट दिए, देखिए इसमें 5 इसमें कितना कोई है कॉमन, 4 इसमें, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, अब गुना करिए कैसे हो गया, 81 × 84 हो जाएगा, 81 × 84 यहाँ गुना करिए कैसे हो जाएगा, 35 ना हो गया, 35 × 105 हो जाएगा ना, 35 × 105 गुना करेंगे तो कितना 35 ना होगा, 35 × 1 = 35 हो जाएगा, 25 ना हो गया, 25 × 125 आ जाएगा, 25 × 2 = 50 आ जाएगा, जोड़िए आंसर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 25 × 2 = 50 नहीं आ रहा है, कहीं जाएगा 5 × 6 ना हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा बहादुर, 5 × 8 = 10 होगा, इतना जोड़िए ना, 5 × 5 = 10 10 × 4 = 14 हाथ में एक ना हो गया, 8 × 2 = 10 10 × 11 = 1 हाथ, इतना ना हो जाएगा, इतना हो जाएगा काटिए तो कटता है, 15 × 2 = 30 7 × 2 = 14 5 × 3 = 2 यही हमारा आंसर आ गया। तो चाहे तो ऐसे करके चलिए, चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से बता दिए, एक सेकंड में कैसे आंसर करेंगे, क्वेश्चन 95 आज तक इतना ही बता देते हैं, एक क्वेश्चन है जो पीडीएफ बनाने में कट गया था, कल मैं उसको बता दूंगा, 87 नंबर क्वेश्चन, ये बता देता हूँ सीख लेंगे बहादुर, कुछ है नहीं उसमें, क्वेश्चन नंबर आपका है 87 नंबर क्वेश्चन, छोड़े थे 87 नंबर क्वेश्चन, हम दिखा देते हैं एक बार, आते हैं बाइक में, 87 नंबर क्वेश्चन है जो बहादुर छूट गया था, देख लेंगे 87 नंबर क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दे कह रहा है सीख लेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन को देख ही लीजिए, कह रहा है एक कंपनी है जो 20 रुपये प्रति के जी, सीखेंगे क्वेश्चन लिख देते हैं, एक कंपनी जो है जैसे किताब आप लोग के पास होगा 20 रुपया प्रति के जी की 20 रुपये प्रति के जी की चाय
प्रति केजी की चाय 25, चाय 25 रुपया प्रति केजी, 25 रुपया प्रति केजी, प्रति केजी की चाय के साथ, की चाय के साथ, चाय के साथ, चाय के, चाय के साथ 5:4 के अनुपात में, के अनुपात में के अनुपात में मिलाकर, मिलाकर यहां से यहां चल जाएगा, मिलाकर मिश्रण को, ठीक है, यहां से यहां भाग जाएंगे। करा एक कंपनी 20 रुपया प्रति केजी की चाय, 25 रुपया प्रति केजी की चाय के साथ 5:4 के अनुपात में, अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, जिससे कंपनी का कितना मिलता है। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, पहले सीखना है, पहले एक सेकंड का आंसर मारने सीखना है। क्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, सीख लेना बहादुर। सबसे पहले बात है, ध्यान देंगे, 20 रुपया प्रति केजी चाय के जी खरीदता है, 100 रुपया हो गया हमारा। एक सेकंड में आंसर मार देंगे, बिना लिख ले लेंगे, फिर सीखना आपको, सीखना है, हमको मारने से नहीं होगा, आपको मारने से होगा, इसलिए सीखना है बाद। अगला 25 रुपया प्रति केजी की चाय के जी खरीदता है, 4 केजी, 25 कितना हो गया, 100 केजी हो गया, ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब बेचता है कैसे, बेचता है मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी, मिश्रण कितना हो गया, टोटल कितना है, कितना केजी हो गया, 5 और 9 केजी, 23 × 9 = 7 हो जाएगा, तो गुना कर दिए, 23 × 9 करेंगे 207 आ जाएगा, 207 हो गया, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, 200 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 200 रुपया, 207 रुपया, तो लाभ कितना हो गया, 7 रुपया, तो लाभ प्रतिशत लाभ बड़ा होता है, लाभ गुने 100 बड़ा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 200 होना है, काटिए 2 × 2 = 7/2 के मतलब हो गया 3.5% उसका लाभ हुआ, 3 पॉइंट है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब बोले डायरेक्ट कैसे कर देंगे, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीख लेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो बिना लिखे मौखिक दिमाग लगाएं तो मौखिक बनेगा, सीखेंगे कैसे। सबसे पहले है, ध्यान देंगे, सबसे पहले था मीटर गया, कोई बात नहीं, सबसे पहले था कितना, 20 केजी खरीदा था, 25 केजी, तो 200 हो गया क्रय मूल्य, 200 क्रय मूल्य हो गया, अब विक्रय मूल्य 23 × 207 हो गया, 207 हो गया ना, यानी 7 रुपया का लाभ हो गया, 7 रुपया का लाभ हो गया कितना में, 200 में, यानी 100 200 में हो गया, तो 200 का मतलब सीधा 2 समझना, क्योंकि प्रतिशत कट जाएगा, तो इतना का मतलब कितना, 3.5 करते, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर से समझिए कि 200 आ गया था, 207 आ गया था, लाभ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये कटता है, दूसरा से दूसरा 7/2 का मतलब 3.5%, तो आज तक इतना ही, मन लगा के पढ़िए, और आपको नहीं पढ़ना, मुझको पढ़ना, आपको याद होना चाहिए, मैं पढ़ाता हूँ तो सही टीचर उसी में गुण है। तो देखिए 2 दिन के बाद सिलेबस में स्टार्ट करें, कल है जो कैलेंडर का क्लॉक डालेंगे, क्लॉक है जो डालते हैं मिरर इमेज बाटर में पढ़ना, बहुत मजा आएगा, चुटकी मारेंगे आंसर होगा, तो कल मिलते हैं सुबह, आज मैथी पढ़ लीजिए, और कल से 2 वीडियो जाएगा ही जाएगा, ऐसे भी जा ही रहा है, कल खाली 1 वीडियो डाला था, कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी आता है तो कभी कभी दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, चलिए विदा लेते हैं, एक बार फिर से याद करिएगा माँ बाप को, सपनों को, अपने माँ पिताजी को, हम अपने माँ पिताजी को भी देखते हैं, तो देखते हैं कि नहीं, अभी मेरी माँ है जो चाहती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, तो मैं उनको सपनों को रात दिन जूझता हूँ, माँ रात दिन पढ़ता हूँ, आप भी लगाइए जो, जय हिंद जय भारत।